जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें शिक्षा विभाग के कलेक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर और मयूरा कॉन्वेंट स्कूल बलौदा के संचालक को आरटी की राशि गबन करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मयूरा कॉन्वेंट स्कूल बलौदा के संचालक राजेंद्र मौर्य के द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर तत्काल आरटी प्रखंड प्रभारी लिपिक शिवानंद राठौर और कंप्यूटर ऑपरेटर विकास कुमार साहू ने षड्यंत्र पूर्वक आरटीई अधिनियम के तहत मयूरा कॉन्वेंट स्कूल के 2019-20 की मांग पत्रक में अंकित राशि में काट छांट व कुटरचना की थी, जिसमें पात्रता से अधिक राशि 72,27,690 रुपये की मांग पत्र तैयार की गई थी और स्वीकृति के लिए लोक शिक्षण संचालनालय भेज दिया गया था, जिसके बाद यह भुगतान स्कूल के खाते में कर दिया गया और कुटरचना की जानकारी मिलने के बाद डीईओ हेतराम सोम ने थाने में लिपिक शिवानंद राठौर, कंप्यूटर ऑपरेटर विकास कुमार साहू और स्कूल संचालक राजेंद्र मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया गया और पुलिस ने के अनुसार 30 लाख रुपए को आरोपी राजेंद्र मौर्य के द्वारा डीईओ जांजगीर चांपा के खाते में वापस किया गया। 15,000 रुपये मयूरा कॉन्वेंट स्कूल बलौदा के नाम से संचालित खाता में होना पाया गया व शेष रकम को खर्च करना बताया गया। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय पेश कर दिया गया है। सर, और शिक्षक अधिकार के अंतर्गत स्कूलों को फीस मिलता है और जब हम लोग सूची बनाए तो उसको लेकर रायपुर गए, रायपुर में बोले कि ये सूची सही नहीं है, इसको सुधार करो, और कुछ स्कूलों का पैसा नहीं गया था तो वहाँ बोले कि सब स्कूलों को उसको क्या पैसा नहीं दोगे, तो हम लोग देंगे बोले, लेकिन हमारे पास मांग पत्र नहीं आया है और जब आएगा तो भेजेंगे करके वहाँ अवगत कराया गया। उसके बाद हम लोग रात को आए वहाँ से 7:30-8 बजे रायपुर से, रात में काम किए हम लोग, रात में काम करते करते हो सकता है लिपिकी टूटी हुआ है, लेकिन ये टूटी को मैं तत्काल जब मेरे को पता चला तो मैं उच्च कार्यालय को बताया हूँ मैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, इनके खाते में इतना राशि 72 लाख कुछ रुपया चला गया है। तो उनके वो जो खंड प्रभारी, उन्होंने कहा कि उनसे फ़ोन से चर्चा कर लो और पैसा वापस मंगा लो, तो मैं इनसे फ़ोन में कॉन्टेक्ट किया तो इन्होंने 30 लाख रुपया जमा किया और बाकी को समायोजन के लिए यहाँ से भेजा हूँ DPI लेटर समायोजन करने के लिए, क्योंकि इन स्कूलों को अभी 37-38 लाख भुगतान करना शेष है और इसी के चलते मेरे को 100 का नोटिस जारी किया गया। DO साहब ने मेरे को आपका कारण बताओ सूचना असंतोषप्रद है, इसलिए आपको निलंबित किया जाता है। मैं गंभीर रूप से बीमार था और हमारे खाते में 7 लाख समथिंग आना था, वो गलती से 72 लाख आ गया था लिपिकी जिला शिक्षा अधिकारी की लिपिकी भूल के कारण, और जब हम लोगों को पता चला बताया गया 4-6 महीने बाद, तो हम लोगों ने 30 लाख रुपए वापस कर दिए। शेष राशि टीचरों के वेतन, चूँकि कोरोना काल था फीस आ नहीं रहा था, शिक्षकों को 6-6, 7-7 1-1 साल तनख्वाह नहीं मिला था, तो उसी में से हमने तनख्वाह प्रदान कर दिया था और आज की स्थिति में हम पूरी राशि जमा करने के लिए तैयार हैं। इसके पहले मैं 7 या 8 तारीख को DO साहब से भेंट करके निवेदन किया था कि मुझको कुछ समय दे दिया जाए, तो उन्होंने 10 दिन का समय मुझको दिया था कि आप जमा कर दें और एक साथ में शपथ पत्र भी दे दें। तो ये सोमवार को मेरे को शपथ पत्र और राशि जमा करनी थी, जिसके लिए मैं अभी भी तैयार हूँ, मैं राशि का पूरा चेक। शिवानंद राठौर सहायक ग्रेड 2 और विकास कुमार साहू को और अधिक राशि का बनाने के लिए प्रलोभन दिया गया, जिसमें आपस में षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने जो पात्रता की राशि थी उसमें काट छांट करते हुए अधिक राशि 72,27,690 रुपये का तैयार कर भेजा गया और वह राशि स्कूल के खाते में प्राप्त हुई। बाद में विभाग में के जानकारी में आने पर और जो दो अन्य आरोपी हैं शिवानंद राठौर और विकास कुमार साहू, उनके द्वारा पैसा मांग किए जाने पर इसने जो संचालक है राजेंद्र मौर्य, इसने 30 लाख रुपया वापस जिला शिक्षा अधिकारी के खाते में जमा किया और शेष राशि को उसने खर्च होना बताया गया। इस पर से और सुसंगत धारा प्रकरण में जोड़ी गई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तारी कर